नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 23 नवंबर 2019, दिन है शनिवार, और यहां पर हम लोग निफ्टी आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। सबसे पहला स्टॉक है एससीएल टेक का। एससीएल टेक में मैंने क्लियर बोला था प्रीवियस वीडियो, अगर आपने देखा होगा, कि अगर 1130 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो 1100 के लेवल की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा ये, और बिल्कुल देखिए वही हुआ है। जैसे इसने 1130 को ब्रेक किया है, इसने जो लो लगाया है वो लगभग लो है 1108 रुपए का, यानी 1100 का जो टारगेट था उसके आसपास कहीं ना कहीं ये आ रहा है, ठीक है, या आ चुका है लगभग, क्योंकि 8 पॉइंट बचा हुआ है। तो एक टारगेट इसने नीचे के साइड में कर दिया। अभी 1100 को ये ब्रेक ना करे, बस इस बात का ख्याल रखना है कि अगर 1100 को ये ब्रेक करेगा तो ये वापस से फिर 1070 वाले रेंज में चला जाएगा नीचे की साइड में। अगर इसको बाउंस बैक करना है तो 1100 के पास से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। हेक्सावेयर में कोई भी व्यू नहीं है, 400 के ऊपर जब तक नहीं निकले हेक्सावेयर, कोई भी व्यू हम लोग नहीं बना सकते इस पे। हमेशा 400 के ऊपर हेक्सावेयर, 400 के ऊपर बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगला स्टॉक है इन्फीबीम। देखिए इन्फीबीम में, जैसा कि फिर कहा था मैंने कि अगर 52 को ब्रेक करेगा तो 55 और 60 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो मैंने 44 के ऊपर लेवल दिया था, उसके बाद 44 के बाद 52 के ऊपर लेवल है। तो अब ये 52 के ऊपर निकलेगा तो 55 और 60 के एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ये अपने 200 DMA को क्लेम कर चुका है, अब इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वापस ये 60 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस, चलिए इन्फोसिस का भी लेवल हम देख लें। इन्फोसिस उसी क्रूशियल लेवल पर खड़ा है, इस 700 के नीचे, 700 यानी लो लगाया 650, 700 के नीचे मैंने सेल के लिए बोला था, तो 680 के टारगेट के लिए 685 का इसने लो लगाया। यहां से अगर ये बाउंस बैक किया तो ठीक है, अदरवाइज वापस ये 660 वाले लेवल पे आपको दिख सकता है। अगर इसने 680 को नीचे एक साइड में ब्रेक किया तो 660 के लेवल भी दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए इसको वापस से फिर हमें कम से कम 710 के ऊपर क्लोज करना होगा, तो फिर वापस ये 720 की तरफ जा सकता है और 730 की तरफ। OFSS ने टारगेट डन कर दिया, जो लाइन लगा के मैंने रखा था, देखिए टारगेट डन कर चुका है। 2900 का मैंने टारगेट बोला था, 3100 के नीचे सेल के लिए बोला था, 2900 के टारगेट के लिए, तो फाइनल टारगेट डन हो चुका। अब ये बाउंस बैक कर सकता है यहाँ पर से, इसको बाउंस बैक मिलना चाहिए मंडे को, तो अच्छी बात है, तो फिर ये हमें 3000 के लेवल दिखाएगा। अदरवाइज अगर ये 2900 को भी नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो ये फिर आपको 2800 के भी लेवल नीचे की साइड में दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी अभी फिलहाल तो ब्रेक नहीं कर रहा है इस फ्लैग पैटर्न को, तो हम लोग अभी कोई ट्रेड नहीं बना सकते इस पे, व्यू कुछ भी नहीं है। जब तक इसके अंदर में है हमें कोई भी व्यू नहीं बनाना है। अगर ये नीचे की तरफ में 770 को ब्रेक करता है तो 750 के लेवल आपको दिखा सकता है। ऊपर की साइड में अगर ये 815 को ब्रेक करे तो एक बार ये 860 की तरफ जाने की कोशिश करेगा टाटा इलेक्सी। माइंडट्री बिल्कुल कोई भी रेंज नहीं है इसका, भी माइंडट्री से दूर रहेंगे हम लोग, और इस पर नज़र बना के जरूर रखना है। एक रेंज बाउंड हो चुका है, अप और डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, तो इस पर अभी हम लोग कोई भी व्यू नहीं कर सकते जब तक कि फाइनली ये ऊपर की साइड में ब्रेक ना करे 755 रुपए को, तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। विप्रो अपना इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में, अब ये इसका नीचे का लेवल 225 रुपए का ओपन हो चुका है। इसने लो लगाया 240 रुपए का, 42 रुपए का, तो 225 का एक लेवल है इसके पास, 225 से 230 का, तो उसके पास ये आपको लेवल आने वाले समय में विप्रो दिखा सकता है। तो अभी विप्रो से कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने का नहीं सोचें। और दोस्तों यहाँ बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। टेक महिंद्रा इसी रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है बार बार। टेक महिंद्रा को ऊपर की तरफ ब्रेक करने दीजिए, 75 के ऊपर एक बार क्लोज कर दे टेक महिंद्रा, तो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज ये नीचे जो 200 DMA उसको क्लेम कर सकता है, 720 के लेवल को आपको दोबारा आता हुआ टेक महिंद्रा दिखेगा। अगर ये ब्रेक करता है 740 को तो आपको 720 का लेवल भी दिखा सकता है। TCS फिर से, TCS ने वही काम किया मैंने कहा था, अभी इसमें 9 व्यू रहेगा, तो बिल्कुल देखिए TCS ने बिल्कुल सीधा 200 DMA को ब्रेक किया है। मैंने कहा था पिछले, अगर कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक कर देता है 2100 को, 2090 को ब्रेक करेगा तो 2070 तक के आने की कोशिश करेगा, 2060 का लो लगा दिया इसने, है ना,
तो उस टारगेट को अचीव कर चुका है। अब अगर इसके ऊपर भी ये सस्टेन नहीं किया 2045 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक किया तो फिर ये 2000 के लेवल भी आपको TCS दिखा सकता है। ऊपर जाने के लिए वापस से इसको कम से कम 2110 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जस्ट डायल, तो जस्ट डायल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए जस्ट डायल में भी कोई व्यू नहीं है, जस्ट डायल में एक बाउंस बैक की उम्मीद जरूर कर सकते हैं पर कोई भी इसमें लॉन्ग बनाने का कोशिश बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है, पिछले बार इसी को ब्रेक करके नीचे आया था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब उसी को ब्रेक करके नीचे आ रहा, वहीं पे अब घूम रहा है। ऊपर की साइड में अगर ये 550 से 55 है ना, 550 से 55 की तरफ अगर ये क्लोज करता है तब फिर एक लेवल देखने को मिलेगा आपको लगभग लगभग 600 का। अगर ये नीचे की साइड में 530 को ब्रेक करता है, 535 को ब्रेक करता है तो नीचे फिर ये 500 वाले लेवल पे जस्ट डायल आ सकता है। तो दोस्तों ये था IT सेक्टर पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।